आरंभ की देवसेना यानी कि कार्तिका पहुंची थी नागपुर अपने शो के प्रमोशंस के लिए और लगे हाथ उन्होंने सास बहु साजिश के साथ की नागपुर की सैर। देवसेना और कार्तिका में बहुत फर्क है। कार्तिका बहुत लेजी है और देवसेना बहुत एक्टिव है। कितनी मेहनत की है देवसेना के लिए, क्या क्या सीखा है, कितना हड्डी वड्डी क्या क्या टूटा है, क्या क्या हुआ है इस जर्नी में। देवसेना का किरदार बाय फार आई थिंक इन फिल्म और टेलीविजन में सबसे डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग कैरेक्टर है। और हाँ, हर एक दिन जब भी मैं शूट से आती हूँ मेरे बॉडी में कोई ना कोई घाव, स्कार्स, ब्रूजेस, ब्लड क्लॉट्स, मसल क्रैम्प्स तो होते ही है। तो बिकॉज वो सादा प्रिंसेस नहीं, बस ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन और थ्रोन में बैठ जाओ, शी इज़ अ वॉरियर प्रिंसेस। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ एक्शन होता है। बाहुबली के मेकर्स का नाम इन्वॉल्व है, राइटर का नाम, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और वहाँ से लिंकअप हो रहा है कि यार देवसेना जैसा नाम रख दिया, ये हो गया वो हो गया, कितने क्रॉस क्वेश्चंस झेलने पड़ते हैं इस चक्कर। तो हाँ, तो देवसेना बाहुबली सेकंड पार्ट में इतना एस्टैब्लिश होगी मुझे पता नहीं था, बिकॉज हमारा जो सीरीज है वो सपोज टू रिलीज अराउंड फेब्रुअरी, तो बिफोर बाहुबली, तो दैट शोज कि हमें देवसेना का स्टोरी पता ही नहीं था वेन आई साइन दिस। और हाँ, मैंने विजेंद्र प्रसाद से पूछा था कि आपने क्यों मेरा नाम देवसेना रखा ना, एवरीवन इज गोइंग टू स्टार्ट कंपेयरिंग, बट उन्होंने कहा कि बस यू नो नाम बहुत पावरफुल था एंड ही वाज वेरी अटैच्ड टू द नेम, बस इसीलिए। और बाहुबली की देवसेना और आरंभ की देवसेना में हजारों टाइम्स यू नो इट्स कम्प्लीटली पोल्स अपार्ट। मस्त बार्गेनिंग करती हूँ और बहुत खराब लगता है जब यू नो 30 रुपये के लिए बार्गेनिंग होता है और हम ब्रांडेड जगह जाके 1 रुपये भी कम नहीं करने की पूछते हैं। तो इट्स एक्चुअली सैड कि इन लोगों से बार्गेनिंग करने का यू नो मौका मिल रहा है। बचपन में एक बार बैठी थी बट आफ्टर दैट ये फर्स्ट टाइम है। तो हाँ, एक्चुअली गर्मी का मौसम फील नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द विंड एंड थैंक गॉड धूप नहीं है, 5 बजने के बाद हो रहा है, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है। देवसेना नागपुर में बाइसिकल रिक्शा में बैठ के जा रही है। अगर आरंभ की दुनिया में होता तो वो हाथी के ऊपर सवार होती, तो ये और फास्ट लग रहा है। लकली एक लेक मुझे दिखने को मिला, तो एटलीस्ट एयरपोर्ट से पहले ये लेक का तो टूर कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी नागपुर की सफर खत्म होती है क्योंकि बहुत कम समय था, एटलीस्ट इतना तो करने को मिला। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांत है। अब टाइम टू गो बैक टू बॉम्बे, फुल ऑन हसल बसल, मन नहीं लग रहा है बट लेट्स गो। ये है ABP News, आपको रखे आगे।